गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने कॉन्फ्रेंस कर पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्राइम ग्राफ कम होने का दावा किया है। पुलिस कमिश्नर के राव ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस को स्मार्ट करने की कोशिश की जा रही है। 2017 की तुलना में 2018 में क्राइम का ग्राफ भी काफी नीचे आया है। गुरुग्राम के स्मार्ट पुलिस और उसी स्मार्ट तरीके से दावा करते हुए पुलिस कमिश्नर के राव ने दावा किया है कि 2017 की तुलना में गुरुग्राम में क्राइम ग्राफ 2018 में नीचे आया है। वहीं गुरुग्राम पुलिस को एक साल में 33,113 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 30,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा 2017 में लूट की वारदात 96 थी, जबकि 2018 में ये आंकड़ा 40 रह गया है। वहीं लगातार वाहन चोरी की जो वारदात बढ़ रही थी, उसमें भी काफी नकेल कसी गई है। 2017 में 1600 वाहन चोरी के मामले सामने आए थे, जिस पर पुलिस ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम किया और 2018 में वाहन चोरी की संख्या 1400 हुई है, जबकि गुरुग्राम एक साल में करीब हजारों की संख्या में वाहनों की संख्या भी अधिक हुई है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस को स्मार्ट करने के लिए अब व्यवहारिक क्लास भी पुलिस के जवानों को दी जाएगी, वहीं जिससे पुलिस के जवानों में भी तनाव को दूर किया जा सके। तो लोगों का विश्वास भी पुलिस की तरफ से बढ़े, उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको नया साल आने वाला मुबारक हो। का धन्यवाद करूंगा कि सभी प्रेस मीडिया और पेन मीडिया ने पूरे साल जो है निष्पक्ष रिपोर्टिंग की, चाहे वो हमारे हक में हो चाहे हमारे खिलाफ हो। लेकिन इसका एक फायदा रहता है कि जिससे सोसाइटी के अंदर सही बात सामने आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है, वो केवल इसलिए बुलाई थी कि जो हम लोगों ने पिछले साल सोसाइटी के लिए, जो वेलफेयर के लिए, जो सिक्योरिटी के लिए जो काम किए हैं, वो आपको बताना जरूरी था। दूसरा कि पिछले साल जो क्राइम हुआ डिफरेंट हेड्स के अंदर, वो काफ़ी कम हुआ और उसमें काफ़ी कामयाबी मिली, जिसके फिगर्स आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका अलग से वो निकाल नहीं पाएंगे और ना ही आपके समझ में आएगा उससे। जो इसके अंदर जो 2017 के अंदर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, 2017 के अंदर 106 मर्डर के केसेस थे और 2018 में